हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस पुरानी कुर्ती में से आप लोगों को चार आइडिया बताने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त और आपके काम भी आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बीच का जो कला है, डिज़ाइन इसमें पड़ी हुई है। पीछे के पार्ट का हम पहले यूज कर चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। तो देखिए, हम बनाने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए झवला। तो आपको कोई भी साइज ले लेना है, जो उसका टॉप वगैरह हो कोई भी। तो देखिए, इस तरीके से मैं झमले का निशान लगा रही हूँ। तो ऊपर की जो गले का निशान था, वहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है, और साइड से और नीचे से। आप जितना नीचा करना चाहो, ऊपर करना चाहो, उतना आप ले सकते हो। साइड से भी मैंने फिटिंग बराबर ले ली है। तो ये मैंने गले का निशान लगा दिया है, और इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर का जो आर्म होल का होता है, वो वाला निशान लगा दिया है, और ये साइड फिटिंग वाला निशान हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है, तो मैंने सेम उस तरीके से नहीं लगाया, कुछ हट के, मतलब झमला सा बनाने वाली हूँ इसीलिए मैं। तो अगर आपके पास न्यूबॉर्न बेबी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप इस तरीके का झमला ज़रूर बनाना, क्योंकि गर्मियों में बेहद काम आने वाले हैं। और अगर आपका बड़ा भी बच्चा है, तो भी आप बना सकते हो इस तरीके का, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चों के ऊपर। और ये हमारी जो डिज़ाइन है, वो आगे की साइड में आ जाएगी। तो मैं इसके जो गला है, इसको थोड़ा सा और शेप दे देती हूँ, क्योंकि शेप में नहीं लग रहा है ये। तो देखिए, हल्की सी मैंने और गहराई इसमें दे दी है गले में। अब इसी के बराबर का मैं एक और पार्ट कट कर लूँगी पीछे के लिए। तो देखिए, मैंने दो पार्ट कट कर लिए हैं बराबर के। अब हमें देखिए उड़े भी स्ट्रिप चाहिए गले पर लगाने के लिए, क्योंकि हल्का सा राउंड है हमारा गला, इसीलिए। तो मैंने दो स्ट्रिप कट कर लिए हैं, इसको मैं जॉइंट कर लेती हूँ, फिर हम इसे लगाएंगे। तो ये हमारे गले के लिए काफ़ी रहेगी। तो देखिए, मैं पीछे की साइड से लगा रही हूँ इस स्ट्रिप को। तो जो हमारा गला है, केवल मैं पहले उस पर लगाऊंगी, बाद में हम जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं, और इसे फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देते हैं, पाइपिंग, जो चौड़ी सी पाइपिंग होती है, उस तरीके से गले पर। तो देखिए, ये हम दूसरी सिलाई भी लगा देते हैं। और गाइस, आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखिए, मैंने दोनों गलों पर, मतलब आगे और पीछे वाले पार्ट पर, स्ट्रिप लगा दी है पाइपिंग। ये मैंने चार स्ट्रिप ली हुई हैं, ये आपको करीब 8-9-10 इंच तक आप ले सकते हो। तो देखिए, 8-8.5 इंच की ये स्ट्रिप है हमारी चारों। तो एक दो स्ट्रिप बड़ी भी है, लेकिन चल जाएगा, क्योंकि दो स्ट्रिप आगे वाले पार्ट पर और दो स्ट्रिप पीछे वाले पार्ट पर चाहिए होंगी। शोल्डर पर थोड़ा सा गांठ लगाने के लिए चाहिए हमें केवल, या फिर आप गांठ लगा के रहने दे सकते हो, ऐसे ही पहन जाएगा वो तो। और देखिए, इस तरीके से हमने इसको पीछे की साइड से सिल दिया है स्ट्रिप को, जो आर्म होल वाली साइड है, और जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा थी वो हमने ऊपर की साइड में निकाला हुआ है। इसको इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। अब तो देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देना है। फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है केवल। बहुत ही ईजी है इस झमले को बनाना। और आपको चारों आइडिया हमारे कैसे लगे, वो कमेंट करके ज़रूर बताना देखने के बाद, और वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, इसी तरीके से हम चारों पार्टों को कर लेते हैं। तो देखिए, चारों पार्ट हमने इस तरीके से चारों जगह से कर लिए हैं। अब आ जाती है नीचे के हिस्से की बारी। तो हम नीचे, जो नीचे का हिस्सा है, उसको हम फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। फिर इसको ऐसे करके फोल्ड करके दोनों को कर लेते हैं। तो दोनों में हमने सिलाई लगा दी है, अब साइड फिटिंग लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर रखेंगे हम, दोनों पार्टों को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने साइड फिटिंग भी लगा दी, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ऊपर नॉट लगा दिया, और ये हमारा झमला रेडी है। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा ये आइडिया आप लोगों को। अब चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। तो देखिए, ये हमने कपड़े को फोल्ड किया, इसे हम चार्लर फोल्ड कर लेंगे।
तो हम इसमें से बनाने वाले हैं, देखिए 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 3.5 इंच इसकी इस तरीके से लंबाई ली है। इसको हम चार्लर कपड़ा किया है हमने, इसको फोल्ड करके इसे हम कट कर लेंगे। तो जैसे मेरा कपड़ा है उस हिसाब से मैंने कट किया है। तो मैं इसको बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये 2 स्ट्रिप और ली हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रिप देखिए, इधर से जो जॉइंट खुला हुआ उधर से लगाएंगे चौड़ी वाली स्ट्रिप को। तो ये हमारी स्ट्रिप 2.5 इंच की है करीब। तो हमने सिलाई लगा लिया, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। इसे फोल्ड करके हम एक और सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से कुछ। तो ये हमने एक और सिलाई लगा दी है। अब देखिए ऊपर की साइड में हम एक और सिलाई लगा देंगे इसको बंद करने के लिए। तो ये हमारा बेबी कैप बन जाएगा। अगर आप धूप वगैरह में जा रहे हो या गर्मियों में थोड़ा बहुत सर्दी वगैरह हो जाती है तो लगाने के लिए चाहिए होता है, अगर आप एसी वगैरह चलाते हो तो, क्योंकि छोटे छोटे न्यू और बेबी को बहुत जल्दी सर्दी लगती है इसीलिए। अब देखिए जो आगे वाला हिस्सा है, ये हमारा पूरा जो फेस वाला हिस्सा होता है वो वाला है। एक मैंने स्ट्रिप ली है 2x14 इंच की। तो इसे मैं 20 सेंटर निकाल लूँगी। तो ये मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है तो मैं इसमें एक पट्टी और जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए मैंने एक पट्टी और जॉइंट कर दी है, फिर इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है थोड़ी सी। तो इसकी जो लंबाई है 18 इंच की हो गई है, 9 इंच है डबल करके तो 18 इंच हो गई। अब देखिए 20 सेंटर निकाल कर इसमें भी 20 सेंटर निकाल के हम इसको अटैच करेंगे, ताकि हमारी जो लटकने वाली बांधने वाली डोरी है वो बराबर दोनों साइड में आए। इस तरीके से हम इसे पीछे से अटैच कर देंगे और फिर फोल्ड करके हम ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमने पहले जितना था उतना हिस्से में हमने इसे अटैच कर दिया है। अब इसे फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बेबी कैप देखिए बहुत ही क्यूट सा लग रहा है और छोटा सा है। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमारा कैप बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा दूसरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना। अब चलिए चलते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तो देखिए अब ये छोटा सा कपड़ा हमारा बचा हुआ है, और अगर आपका और भी कपड़ा बचा हो बचेगा ही, क्योंकि मैंने इसमें से पहले भी यूज कर चुकी हूँ। मैंने फ्रॉक बनाई थी अपने बच्ची के लिए, उसमें मैंने अस्तर के रूप में लगा दिया था इसमें से, इसीलिए। अब देखिए जितना कपड़ा था उतना मैंने कट कर लिया। मैं आपको नाप बता दूंगी इसमें से कि कितना लंबा और चौड़ा है। इसमें देखिए हल्का सा राउंड शेप दे दिया है मैंने डबल फोल्ड करके। तो ये हमारा डबल कपड़ा है। आप इसके अंदर एक दो लेयर और डाल सकते हो, क्योंकि ये बच्चे के लिए एप्रन का काम करेगा। जब हम दूध वगैरह पिलाते हैं तो थोड़ा बहुत तो टपक ही जाता है, तो इसीलिए गले में बांधने के लिए जब भी आप बच्चे को दूध वगैरह पिलाओ या कुछ खिला रहे हो तो इसको बांध के आप आसानी से खिला या पिला सकते हो। तो हमने एक स्ट्रिप और ली थी, और देखिए इसमें हम तीनों साइड में सिलाई लगा देंगे। और इसको हमने सिलाई लगा दिया, ऐसे करके कट्स लगा देते हैं ताकि हम इसे सीधा कर सकें, सीधा करने में दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से फिर। तो देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है, एक और सिलाई लगा देंगे हम। तो हमने एक और सिलाई लगा दी है तीनों साइड में। अब ये जो हमने स्ट्रिप ली हुई है लंबी, इसको हम 20 सेंटर में रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इसको हम सिल देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है, और इसको फोल्ड करके फिर से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा एप्रॉन बिल्कुल रेडी है बच्चों के लिए। तो गाइस आप लोगों को हमारा ये तीसरा आइडिया कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो अब मैं आप लोगों को देखिए तीनों आइडिया दिखा देती हूँ एक साथ, और चौथे आइडिया। अब देखिए हमारा आप चौथा आइडिया भी देख लीजिए। तो ये इसकी मैंने इसमें सिलाई और कटिंग नहीं बताई है, क्योंकि इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। और लेकिन ये इसी कुर्ती में से बनी हुई ब्रा है और बिल्कुल फिटिंग की है। ये मैंने पहन भी लिए एक दिन, और वीडियो मैंने लेकिन कल डाली थी। तो अगर उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की है और बिना इलास्टिक की बनी हुई है ये। आप किसी भी साइज़ की बना सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको एंड स्क्रीन पर उस
उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे टच करके देख लेना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।